नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहली वीडियो में कविता हमारी नावचली का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे की कविता की जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आइए आगे की कविता का अध्ययन करते हैं। एक खिलाड़ी लड़का आया, लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी, रही तैरती टहनी। इसमें देखो बच्चों, तभी एक खिलाड़ी लड़का पेड़ की टहनी को हाथ में लिए वो आता है और वह पूरा जोर लगाकर उस टहनी को पानी में फेंकता है। हुआ अचंभा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी। इसमें देखो बच्चों, अचंभा का मतलब होता है हैरानी और खूबी का मतलब होता है खासियत। सब बच्चों को यह देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि टहनी पानी में जरा भी नहीं डूब रही थी। उस टहनी की यही खासियत थी कि वह इधर उधर मंडराती हुई आगे ही बढ़ती जा रही थी। लड़के सब हो गए इकट्ठे, करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें, पीपल हो या ताड़। इसमें देखो बच्चों, खिलवाड़ का मतलब होता है खेल। तभी सभी बच्चे इकट्ठे होकर पीपल और ताड़ के पेड़ की लंबी शाखाएं नदी में फेंकने लगे और मौज मस्ती के साथ ऐसे खेल को करते रहे। वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते, लड़के उनको देख खुशी से, आपे में क्या रहते। देखो प्यारे बच्चों, जब बच्चों ने पीपल व ताड़ की शाखा को पानी में बड़ी मौज मस्ती के साथ तैराया तो वह खुशी से झूम गए और आपे से भी बाहर हो गए। पानी पर क्या तैर सकेगी, मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। देखो बच्चों, तब बच्चों के मन में ख्याल आया कि क्या भारी और मोटी लकड़ी का तना भी पानी में तैर सकेगा। तब बच्चों ने पेड़ का तना काटने की तैयारी शुरू कर दी। रहा तैरता बड़ी चान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तनों का गट्ठा। इसमें देखो बच्चों, लट्ठा का मतलब होता है लकड़ी या बांस का लंबा टुकड़ा और गट्ठा का मतलब होता है कई लट्ठों को एक साथ बांधकर बनाया गया गट्ठर। उसके बाद बच्चों ने एक लट्ठे को पानी में तैराया और वह लट्ठा भी बड़ी शान से पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ गया। उसके बाद बच्चों ने एक गट्ठर को पानी में तैराने की तैयारी शुरू कर दी। और तभी से लगी बनने नावें बड़ी हमारी, पानी से क्यों अब डर लगता है, विजय हुई भारी। इसके बाद तभी से नावों का निर्माण होने लगा। जिस प्रकार पानी में से सबको डर लगता था, पानी से सबने विजय पा ली। सागर हमने जीत लिया था, छूट गया डर भारी, चले वीरता उसकी छाती, बड़ा जहाज हमारा। बच्चों ने कहा कि हमारे मन में जो पानी का डर था, अब वह डर हमारे मन से निकल गया है और अब हमने सागर को भी जीत लिया है। एक बड़ा जहाज सागर की छाती को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता। इसके बाद देखो, अगर वह छोटा लड़का टहनी को अगर पानी में न तैराता तो ना ही हमारी नाव बन पाती और ना ही हमारा जहाज। इसके बाद देखो, हमने पाठ की ओर में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि नाव कब और कैसे बनी, तो अब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपको नाव का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। तो आइए इसके आगे आप आओ करे एक और आओ करे दो को अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे और आओ करे तीन को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।
धन्यवाद।